स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फैंटासी लीजेंड अखाड़ा में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे USG चेमनीट और RC ड्रेसडन के बीच खेले जाने वाले आज के ECS ड्रेसडन टीटन मैच के बारे में, जो कि दोस्तों ड्रेसडन टीटन का मैच नंबर 42वां खेला जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, हर एक प्लेयर के बारे में बताऊँगा दोस्तों, कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट होगा और कौन से प्लेयर को आपको अपनी टीम में लेकर के चलना है, कौन से प्लेयर को आपको अपनी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन करके चलना है दोस्तों। तो वीडियो में बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और अभी तक दोस्तों टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो दोस्तों यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, यहाँ पर आपको टॉस एंड लाइनअप के अपडेट मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कोई भी न्यू प्लेयर खेले उसके रिकॉर्ड मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे प्लेयर से रिलेटेड, और हर एक इन्फॉर्मेशन यहीं पे मिलेगी इस मैच से रिलेटेड। वहाँ तक कि मेरी फाइनल टीम जो रहती है जिससे मैं खेलता हूँ मैं यहीं पे देता हूँ दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह लिंक दे दिया हूँ टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप लोग सीधे टेलीग्राम पर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करें मैच के बारे में। तो दोस्तों मैच नंबर ये 42वां रहेगा इस ड्रेसडन टीटन का, USGC और RCD के बीच खेला जाएगा, और 2:45 मैच स्टार्ट होगा दोस्तों। वेन्यू रहेगा ड्रेसडन जर्मनी का। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो एक बैलेंस सरफेस देखने को मिलेगा, और इस वेन्यू पर अभी तक 40 मैच खेले गए हैं जिसमें दोस्तों बैटिंग फर्स्ट ने 19 मैच, बैटिंग सेकंड ने 21 मैच विन किया है दोस्तों। बात करें अभी रिसेंट इनिंग की दोनों टीमों के बीच में, तो USGC की जो टीम है ना अभी तक 6 मैच खेली है जिसमें 3 मैच विन की है और 3 मैच लॉस किया दोस्तों। तो 50-50 रहा है इनका, उतना ख़राब टीम नहीं है, अच्छा खासा ही खेल लेता है। RC ड्रेसडन की जो टीम है अभी तक 7 मैच खेली है जिसमें 4 मैच इसने विन किया है, 3 इसने लॉस किया है दोस्तों। तो ये भी अच्छा खेल कर आ रही है, दोनों टीमें अच्छी हैं दोस्तों, ठीक है। 90 से 120 के बीच में एवरेज स्कोर देखने को मिलेगा। बात करें टीम USGC के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों टीम USGC की टीम की तरफ से गोपीनाथ मनोहरन है और इड्रिस जलालजाई हैं, आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे दोस्तों। गोपीनाथ मनोहरन का देखो परफॉर्मेंस अभी तक हाईएस्ट 20 रन ही रहा है, लेकिन इस 20 रन वाले मैच पे दोस्तों एक ओवर डाला था, इसमें 3 विकेट भी लेकर के गया था। हालांकि उतना अच्छा खासा बैटिंग नहीं कर आता है, एवरेज भी उतना अच्छा खासा नहीं है, लेकिन दोस्तों ओपनिंग पे आता है तो कभी भी आपके लिए एक अच्छा खासा पॉइंट दे करके जा सकता है। लेना रहेगा तो लेकर के चलना, वरना ड्रॉप भी कर सकते हो। लेकिन इसको एड्रेस जलल जाई हैं, लास्ट मैच से ओपनिंग पे आ रहे हैं, अभी तक दोस्तों 42, 14, 25, 35, तो एक ठीक ठाक इनिंग खेला है। लास्ट के दोनों मैचेस में अच्छा खासा इनिंग खेला था, और मैंने इसके बारे में बताया भी था एवरेज इसका कि 20 का एवरेज है, बिल्कुल ट्राई करके चल सकते हो। लेकिन दोस्तों इसको अभी मौका मिला है ओपनिंग पे आने का, तो अच्छा कर रहा है, तो इस चीज़ को देख लेना। वरुण सोरागनवी हैं, प्लेयर बढ़िया हैं, 1 से 2 ओवर की बॉलिंग भी करा सकता है किसी भी मैच में, इस चीज़ को ध्यान देना। यहाँ पे देखो 1 विकेट है, यहाँ पे 1 विकेट है, 41 रन भी यहाँ पे, 17 रन 1 विकेट है, और बैटिंग अच्छा तो करता ही है। साथ ही दोस्तों एक बॉलिंग वाला जो है इसका एक आध ओवर का बिल्कुल करने आ जाता है ये। उसके बाद आएंगे दोस्तों अब्दुल सामद स्टेनक जाई, ये अच्छा प्लेयर है, 17 का एवरेज है इसका, लेकिन अभी तक 17 और 26 रन की 2 इनिंग है, उसकी अच्छी इनिंग थी, बाकी मैचेस में उतना अच्छा खासा नहीं किया है दोस्तों। तो अगर अभी तो इसका बैटिंग भी बहुत डाउन हो गया है, तब इसको नीचे बैटिंग भेज रहे हैं, इसीलिए उतना ज़्यादा स्कोर कर पाएगा कि नहीं इस चीज़ को नहीं बता सकता, बाकी आप लोग ट्राई करके चल सकते हो। संजीत उद्यान है, लास्ट के दोस्तों देखो यहाँ पे 3 मैच में 9-9 रन ही बनाया है, इस चीज़ को आप लोग समझो, ठीक है। लास्ट के 3 मैच में 9-9 रन बना के आउट हुआ, बॉलिंग भी नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग के इस 2 मैच में बॉलिंग किया था जिसमें इसको विकेट भी मिला था, बाकी उसके बाद उसको बॉलिंग ही नहीं दिया गया, बाकी कभी भी ये बॉलिंग कर सकता है, ठीक है, ट्राई करके चलना इसको। उसके बाद दोस्तों अब्दुल बासिर अंडर हैं, 2 ओवर की बॉलिंग बिल्कुल करता दिखेगा, बिल्कुल टीम में ट्राई करेंगे, लास्ट मैच में 3 विकेट भी लेकर के गया है, और इम्पॉर्टेंट बॉलर है दोस्तों, बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल लेकर के चलना है इसको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अबीदुल्ला मोमेंट हैं, लास्ट मैच में 1 ओवर डाला और बहुत रन खाया था, इसलिए 2रा ओवर नहीं दिया गया, 1 ही ओवर दिया गया, उतना अच्छी खासा बॉलिंग नहीं है इसका, बाकी GL के अंदर ट्राई करना चाहो तो ट्राई करके चलना, खेलेगा तो। उसके बाद दोस्तों संदीप शिवालिंगौड़ा हैं, 1 मैच में 38 नॉट आउट की इनिंग है, बाकी मैचेस में उतना अच्छा खासा नहीं है, हालांकि ये विकेट कीपिंग कराता हुआ दिखेगा आपको, विकेट कीपर है, विकेट कीपिंग कराता दिखेगा मोस्ट ऑफ द मैचेस में, तो विकेट कीपिंग से थोड़ा बहुत पॉइंट दे करके जा सकता है। अनंतु अजी कुमार है, T10 का ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, 7 मैच 25 रन 25 का एवरेज है, और यहाँ पे दोस्तों 1 विकेट 16 रन था, यहाँ पे 2 विकेट है, तो कभी कभी टीम क्या करता है इसको डेथ में बॉलिंग दे देता है और ये आके विकेट लेकर के चला जाता है, ठीक है। अजी कुमार ठीक प्लेयर है, ट्राई करना चाहो तो आपकी मर्जी रहेगी। अमृत पाल हैं T10 के अंदर, इनको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस
है दोस्तों, अभी तक 13 मैचेस के अंदर 18 विकेट का रिकॉर्ड है, लेकिन लास्ट के 3 मैचेस में कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। फर्स्ट मैच में 2 विकेट लिया था दोस्तों। स्लो बॉलिंग कराता है, राइट आर्म स्लो बॉलर है, इसीलिए कभी बहुत मार भी खाता है। अगर ज़्यादा एग्रेसिव बैट्समैन रहे तभी वो आउट कर पाएगा, वरना फिर ये आउट नहीं कर पाता। ठीक है, मियाँ गुलामदीन है, 2 ओवर की बॉलिंग करेगा, काफ़ी अच्छा फास्ट बॉलर है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं 4 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, तो अच्छा खासा बॉलिंग कर रहा है, विकेट टेकर है। 2 ओवर की बॉलिंग फिक्स है इसका, लेकर के चलेंगे गुलामदीन को। अभी के लिए जो प्लेयर हैं यहाँ से आप जिनको लेकर के चलना, देखो इड्रिस जलालजाई मैं एक प्लेयर सजेस्ट करूंगा, वरुण सोरागनवी को लेकर के चलो। और यहाँ से आप देखो अब्दुल सामद स्टेनक जाई या फिर संजीत उद्यान, इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को बिल्कुल ट्राई करना। अब्दुल बासिर अंडर है, इनको ट्राई करके चलेंगे। और नीचे से ट्राई करना है तो देखो मियाकिल गुलामदीन, इनको लेकर के चलना। तो इन प्लेयर्स को मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा, बाकी के प्लेयर को अपने अकॉर्डिंग देख लेना। इनके बेंच के प्लेयर में देख लो, इन सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड आपको मिल जाएंगे। जैसे कि सियादुल्ला अमर खेल हैं, जो खेले थे 6 विकेट इनके नाम है अभी तक 2 मैच खेल के। इनके सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड एक बार देख लो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई भी प्लेयर्स खेले तो एक बार आप भी यहाँ से रीड कर लो, स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लो। बात करें स्टार्टिंग के ओवर की, तो मियाकिल गुलामदीन है, अब्दुल बासिर अंडर हैं, डेथ ओवर्स में दोस्तों अमृत पाल हैं, अब्दुल बासिर अंडर आपको बॉलिंग करते दिखेंगे। आगे बात करें टीम आरसीडी के प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, तो दोस्तों टीम आरसीडी की तरफ से विवेक नंद कुमार चकनकर हैं, और उनके साथ दोस्तों संदीप कंबोज आपको ओपनिंग करते दिखेंगे। और विवेक नंद कुमार चकनकर 2 ओवर की बॉलिंग भी कर रहा है, साथ ही दोस्तों ओपनिंग पे बैटिंग, तो बिल्कुल टीम में लेकर के चलेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहो तो बिल्कुल इसको ट्राई करके चल सकते हो, एक अच्छा ऑलराउंडर प्लेयर है। संदीप कंबोज उसी तरह देखो, यहाँ पे 16, 20, 26, 29 नॉट आउट, तो इसका भी एक जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। लास्ट के 4 मैचेस में देखो, उससे पहले परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, 21 का एवरेज है ओवरऑल इसका T10 के अंदर। तो संदीप कंबोज को ट्राई करना चाहो बिल्कुल ट्राई करना, ठीक है। गुलजार रसूल हैं दोस्तों, लास्ट के 2 मैच खेले, एक मैच में 7 रन, एक में 28 नॉट आउट की इनिंग, तो इसका भी एवरेज 22 का है, T10 के अंदर ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, इसको भी बिल्कुल ट्राई करके चल सकते हो। आज़म अली राजपूत हैं, और हार्ड हिटर प्लेयर है ये, 92 नॉट आउट, 36 है, 15, 33 नॉट आउट, तो एक अच्छा खासा इनिंग खेल सकता है, इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। अब्दुल्ला हकीमी है, विकेट कीपिंग करता हुआ दिखेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, और इसका भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है, 13, 34 नॉट आउट, 29 नॉट आउट, 23 नॉट आउट, तो देखो 3 मैचेस में नॉट आउट इनिंग खेला है, 2 मैच में तो इसका बैटिंग भी नहीं आया है, ठीक है। विकेट कीपिंग करेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर बैटिंग आया तो बैटिंग से भी पॉइंट दे करके जाएगा ये। शाहरुख खान है दोस्तों, इनको उतना अच्छा खासा मौका नहीं मिला, तो इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, बाकी GL के अंदर ले सकते हो। कपिल चंदानी 2 ओवर की बॉलिंग फिक्स करता हुआ दिखेगा आपको, यहाँ पे देखो 3 विकेट है, यहाँ 2 विकेट है, यहाँ 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, तो विकेट टेकिंग भी है, काफ़ी अच्छा विकेट मिल रहा है इसको, लेकर के चलेंगे। बिलाल जादरान ये भी 2 ओवर की बॉलिंग करेगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर, इसको भी बिल्कुल टीम में लेकर के चलना। 2 विकेट यहाँ है, 22 रन प्लस 0 विकेट है, 3 विकेट यहाँ है, 1 विकेट यहाँ है, तो परफॉर्मेंस के नाम पर बढ़िया परफॉर्म दे रहा है ये, बिल्कुल टीम में लेकर के चलेंगे दोस्तों। गणेश पाटिल ये भी एक बढ़िया प्लेयर है, लेकिन इसको अभी तक चांस नहीं मिला है, GL के अंदर ट्राई करना चाहो तो GL में ट्राई करके चलना, बाकी मैं इस मामले के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। अलबिन इलियास हैं, लगातार 2 ओवर की बॉलिंग कर रहा है दोस्तों, यहाँ 1 विकेट है, यहाँ 2 विकेट है, यहाँ 1 विकेट, तो लगभग जितने भी मैचेस खेला है सब में इसको विकेट मिला है, एक अच्छा प्लेयर लगता है मुझे, और अच्छी खासी बॉलिंग कर लेता है, बिल्कुल ट्राई करके चलना है इसको। करण पाटिल हैं, लास्ट के 2 मैचेस में दोस्तों 2 2 ओवर डाला, 1 मैच में 1 विकेट मिला, 1 महीने विकेट लेस रहा था ये, ट्राई टीम इसको मौका दे रहा है बिल्कुल, ठीक है, अगर खेलेगा तो ध्यान रखना, लेकर के भी चल सकते हो। अभी के लिए जो इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इनकी टीम की तरफ से, विवेक नंद कुमार चकनकर हैं, संदीप कंबोज हैं, गुलजार रसूल हैं, आज़म अली राजपूत अगर बैटिंग डाउन रहा तो ड्रॉप करके चल सकते हो उनको। बाकी दोस्तों नीचे से कपिल चंदानी हैं, बिलाल जादरान हैं इंपॉर्टेंट, अलबिन अलियाज हैं, खेलेगा तो इंपॉर्टेंट रहेगा, करण पाटिल को लेना ना लेना आपके ऊपर रहेगा। बाकी 2 ओवर की बॉलिंग कर रहा है ये, इनके बेंच के प्लेयर देख लो एक बार, कोई भी खेले तो आपको अपडेट कर देंगे टेलीग्राम में। राहुल ग्रोवर एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, खेलेगा तो आप देख लीजिए इनके रिकॉर्ड भी, और भी सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड आप यहाँ से रीड कर सकते हो दोस्तों। बात करें स्टार्टिंग के ओवर की, विनंद कुमार चकनकर हैं, अलबिन अलियाज हैं, डेप्थ के ओवर्स में दोस्तों कपिल चंदानी हैं, विनंद कुमार चकनकर आपको बॉलिंग करते दिखेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया प्लेयर के स्टेट्स के बारे में, बात करें एक डेमो टीम की, तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिखेंगे, सबसे पहले देखो शिवालिंग गौड़ा हैं, गोपीनाथ मनोहर हैं, जो लास्ट के मैचेस से काफ़ी अच्छा
बैटिंग कर रहा है, ले करके चल सकते हो, ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप करके भी चल सकते हो। हकीमी एक अच्छा ऑप्शन मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके बैटिंग आ जाए ना तो बहुत अच्छा बैटिंग कर ले गया, तो अभी के लिए हकीमी को लेकर के चल रहे हैं। गोपीनाथ मनोहरन को नहीं लेंगे दोस्तों, बैटिंग उतना अच्छा खासा नहीं करता, हालांकि सिलेक्शन पहुँच जाता है। बैटिंग सेक्शन में आ जाए तो कम्बोज हैं सबसे पहले, संजीत उद्यान को लेना चाहो तो इनको लेकर के चलना दोस्तों, इनका सिलेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा है। गुलजार रसोल एक ट्रंप रहेगा आज के मैच का, 5% सिलेक्शन है लेकिन बैटिंग काफ़ी अच्छा करता है। विनोद कुमार चकनकर हैं, आजम अली राजपूत को उनके बैटिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, अगर बहुत नीचे बैटिंग करने आएंगे तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि इनको ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, संजीत उद्यान है, इनको तो लेने का मन है, बाकी एक अच्छे प्लेयर हैं दोस्तों ये, संजीत उद्यान है, अब्दुल समद स्टेनेक जाई हैं, आजम अली राजपूत हैं, इड्रिस दराली, ये ट्राइबल प्लेयर हैं, बिल्कुल लेकर के चल सकते हो इनको। मैं आ जाता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन में, तो अब्दुल बाजिर अंडर हैं, बिलाल जादरान हैं, सोराग नवी हैं, इनको लेकर के चलूँगा। और यहाँ पे के पाटिल लेना चाहो तो लेकर चलो, अलवी अलवी निलास को लेकर के गया हूँ। बॉलिंग सेक्शन में आ जाएँ तो कपिल चंदानी है, गुलाम दीन है दोस्तों, तो इनको तो मैं ड्रॉप बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और यहाँ से अगर अमर गिल खेलें तो इनको लेकर के चलूँगा। अजी कुमार को मैं अभी के लिए वेट करता हूँ, मैं बैटिंग सेक्शन में आता हूँ। बैटिंग सेक्शन से मैं एक बैट्समैन लेकर के जाता हूँ, इड्रिस जलाली को भी लेकर के चल सकते हो, आजम अली राजपूत, तो अपने अकॉर्डिंग लेकर के चलना। अभी के लिए दोस्तों मैं इड्रिस जलाली को ही, जलल जाई को लेकर के जा रहा हूँ, अच्छा बैट्समैन है ये भी। तो ये मेरी डेमो टीम है दोस्तों इस मैच की। यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ मैं आप लोग को, तो देखो विनोद कुमार चकनकर हैं एक अच्छा ऑप्शन, या फिर वी सोरागनवी को वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी दे सकते हो, बिलाल जादरान वाइस कैप्टनसी के लिए अच्छा रहेंगे, कपिल चंदानी का अच्छा ऑप्शन रहेंगे। तो इन्हीं में से दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली मैं कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करूंगा, बाकी जो मेरी फाइनल टीम रहेगी ना वो आएगी टेलीग्राम चैनल पे आफ्टर टॉस, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।